नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। देखिए, हमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं मैथ्स के, जो कि हमें स्वप्निल गुप्ता और लोगन भी ने सेंड किए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के उन क्वेश्चंस को। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आज के आपके पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। करें, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8800 रुपये है, 13% छूट पर बेचने पर 2200 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे? इस तरीके के क्वेश्चंस आपके कल भी पूछे गए थे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको करने क्या होते हैं? कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य तो आपको सिंपली दे रखा है 8800। कह रहा है उसे 13% छूट पर बेचते तो हमें 2200 रुपये का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आपको पता होगा अंकित मूल्य पर अगर 13% का छूट दिया, यानी 8800 रुपये दिया, 13% का छूट यानी उसने उसे बेचा कितने में, तो 87 में। अगर 13% का छूट यानी 87% में बेचा, यहाँ से ये जो हमारा निकलेगा वो क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मार्केट प्राइस पे जो छूट दिया जाता है उसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो 87 × 88 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 6776, ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है कि इतने पे बेचने पर हमें 2200 रुपये का लाभ होता है, तो अगर 6776 में हमने बेचा और हमें 2200 रुपये का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अगर आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तब आपका लाभ होता है, तो क्रय मूल्य इक्वल टू 6776 माइनस आपका कितना हो जाएगा 2200 रुपये का लाभ, तो -2200। तो यहाँ से ये हमारा कितना हो जाएगा 4576 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 4576 रुपये में उसने उसे खरीदा होगा। सिंपली आपका आंसर आ जाएगा, आ गया कितना, 4576 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी के वेतन का अनुपात 9:10 है, 6000 बढ़ाने पर प्राप्त अनुपात 21:23 है, तो ए का वेतन ज्ञात करें। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आपको बात कर रहा है दो लोगों की, उनके वेतन का रेशियो दे रखा है 9:10। करें 6000 बढ़ाते हैं तो अनुपात हो जाता है 21:23, तो हमसे पूछ रहे हैं ए का वेतन क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को एक तो आप एक समान के सॉल्व करोगे, जो कि आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया। नया मेथड क्या है, जिससे कि आपके एग्जाम में टाइम भी ना लगे। आप सबसे पहले, आपको पता होगा कि अगर एक आदमी का वेतन है 100 रुपये, दूसरे का है 200 रुपये, और दोनों के वेतन में अगर हम 100 रुपये बढ़ाएंगे, तो एक का 101 का आपका कितना हो जाएगा, तो 300, एक का सॉरी एक का आपका 200, एक का 300, यानी कि हमेशा इनके जो फर्क हो जाएगा, अंतर जो होगा वेतन का, वो कितना रहेगा, तो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक के रेशियो में 1 का फर्क है, एक के रेशियो में 2 का फर्क है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों के डिफरेंस को इक्वल करने है। तो डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हमें, यहाँ देख रहे हैं तो डिफरेंस 2 का है, यहाँ देखा तो डिफरेंस 1 का है, तो आपको उतने से ही मल्टीप्लाई कर लेने, ऊपर में 2 से नीचे में 1 से। तो ये हमारा हो गया 9 × 18:20, और ये आपका हो गया 21:23, ये आपका हो गया दूसरा जो आपका रेशियो आ गया वो। अब आपका जैसा कि क्वेश्चन बोल रखा है कि ऐसा करने पे हमें, जब भी ऐसा करते हैं तो हमें 6000 रुपये बढ़ाएं तब हम ऐसा कर रहे हैं, और यहाँ हमारा रहा 3 यूनिट बढ़ाएं तब ऐसा कर रहे हैं, यानी कि 3 यूनिट जो है हमारे किसके बराबर है, तो 6000 रुपये के। तो हमसे पूछ रहा है ए का वेतन, तो ए का वेतन अब हमें ये नहीं पता चल पाया कि ए का वेतन आपको पहले का पूछ रहा है या बाद का। तो अगर पहले का पूछा तो 18 यूनिट ले लेंगे, तो 18 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, अगर 3 यूनिट बराबर 6000, तो 18 यूनिट बराबर 6000 × 18 / 3 हो गया। अब हमने इसे टोटली कैलकुलेट किया तो ये 2000 हो गया, यानी कि आपका ए का वेतन कितना आ गया, 36000 रुपये। ये थे इसे सॉल्व करने के तरीके। अगर आपसे 21 के बारे में कुछ पूछता तो आपको 21 से मल्टीप्लाई कर लेना था, 42000 आ जाता। अगर बी का वेतन पूछता तो 20 से मल्टीप्लाई करते, आपका 40000 आता। तो ये थे इसे बनाने के सबसे सिंपल वे। अब मैं बताती हूँ ये हमारा ट्रेडिशनल वे क्या कहता है, कि आप 9x मानो, डिवाइडेड बाई 10x मानो, दोनों में 6000 ऐड करो। दोनों में 6000 ऐड करने पर आपका रेशियो कितना हो रहा है, तो 9 / 21। अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, अब आपको इसमें प्रॉब्लम समझ में आएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 9 से किया 18 किया, एक्स प्लस हमने किया, एक कैश छक्का भी करना पड़ा, तो 126000 इक्वल टू, फिर आपको इधर भी सारे चीज़ से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेंगे। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा लंबा जाने वाला है, और एग्ज़ाम में टाइम की तो वैल्यू होती है, ये तो आपको भी पता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों के रेशियोज के डिफरेंस को इक्वल करने, बिकॉज दोनों के वेतन में अगर उतना ही की ही बढ़ोतरी करेंगे तो सेम हमारा उतनी की ही बढ़ोतरी होने वाली है। इस तरीके से हमारा आ गया 3 यूनिट बराबर 6000, तो 18 यूनिट बराबर आपने निकाल लिया, 36000 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कह रहे हैं 48 से 352 के बीच 7 से विभक्त संख्याओं का योग ज्ञात करें।
आपको इसमें करना क्या होगा, इसको बनाने का हमारा क्या तरीका होता है कि आप 48 से 352 के बीच सात के सभी विभक्त होने वाली संख्याओं को लिख लो। तो अगर हम सारे को लिख के सम करते तो ये हमारा बहुत लॉन्ग जाएगा, तो हमें करने क्या, आपने एक लिखा 49, नेक्स्ट हमारा सात से विभक्त किया जाने वाला है तो नेक्स्ट आपका जाएगा कितना 56, नेक्स्ट जाएगा आपका कितना तो 63, नेक्स्ट आपका जाएगा 70, इसी तरीके से ये आपका जाएगा कितने तक तो 350। तो इनका हमें योग पूछ रहा है, तो योग का आपका फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू NY2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है, बट कितनी संख्या है, N मतलब होता है कितनी संख्या है, ये हमें नहीं पता है, तो ये हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम निकालने का होता है TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हम AP के फॉर्मूले से इसे निकाल लेंगे, तो TN आपका दे रखा है लास्ट टर्म 350, फर्स्ट टर्म 49 प्लस N माइनस 1 इंटू डिफरेंस है आपका कितने का 7 का। अब हमने किया 9 × 10 = 301 बराबर N माइनस 1 इंटू 7। अब 301 इधर जाएगा तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 × 28 दो रिमाइंडर बच गया, 71 इक्वल टू हो गया N माइनस 1, यानी कि इतने से इतने के बीच में हमारे पास कितनी संख्या है 44। अब आपसे सम पूछ रहे हैं, तो सम इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 / 2 इंटू फर्स्ट टर्म 49 प्लस लास्ट टर्म आपका हो गया 350। अब हमने इसे ऐड किया तो ये हो गया 22 × 9 = 399। ये आपका कितना आया क्या 22 × 3999। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, टोटली मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 8778। तो इसके बीच हमारे जो संख्याओं का योग कितना होगा 8778। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, मल्टीप्लाई बाई 22 है तो सिर्फ एक बार दो से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 6 = 7। नेक्स्ट भी हम यहाँ से लिखते जाएंगे 9 × 8 = 9, 8 × 9 = 17, 9 × 7 = 16 = 17, 8 × 7 = 8 आपका आसानी से आ गया। तो ये हमारा आंसर कितना हो गया तो 8778। अब हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता चल रहा है, किन्हीं स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि यहाँ पे 50 से 352 है, किन्हीं ने बोला 48 से 352 है। तो अगर आपका 50 से 352 होगा तो आपको करना क्या है, फर्स्ट टर्म को आप 56 ले लो, उसके बाद इसमें सेम चीज़ आपको करना है माइनस करके, फिर आपको SN निकाल लेना है, दोनों में आपको सेम ही आएंगे, बस आपका एन दोनों में सेम प्रोसेस है। यहाँ से आप 56 से करोगे तो ए 56 रखना पड़ेगा, तो 350 - 56 आपका करना पड़ेगा, -56 के 6 × 10 = 294 आ गया। अब 294 को 7 से डिवाइड किया, 7 × 28 1 और ये हो गया 42 आ गया, यानी कि हमारे एन इक्वल टू, बस अंतर क्या होगा कि एन इक्वल टू हमारा 43 आ जाएगा। तो अगर 43 रखते हैं और यहाँ पे भी आपका 50 हो जाएगा, सम में जो है आपका क्या हो जाएगा 43 / 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपका हो गया 56 प्लस 350 करेंगे तो ये आपका हो गया 43/2 इंटू 6 एंड 5 × 10 = 5 × 3 = 8 = 9। अब आप यहाँ से इसे कैलकुलेट करोगे, जो भी करोगे आपका मेथड यही रहेगा बट आंसर का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार एक रूम हीटर को 3220 रुपये में बेचकर क्रैमूल का 1/6 के बराबर लाभ कमाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है कि एक दुकानदार के पास एक रूम हीटर है जिसे वो 3220 रुपये में बेचता है और क्रैमूल का 1/6 के बराबर लाभ कमाता है तो लाभ प्रतिशत। तो आपको इस क्वेश्चन में करने क्या है, क्रैम बोल रखा है कि रूम हीटर जो है क्रैमूल हमारा 3220 रुपये में बेचा और क्रैमूल का 1/6, आपको मान लेना है कि हमारा क्रैमूल था 100। हम 100 मानेंगे तो हमारा क्या प्रॉब्लम होगा कि 1/6 करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप ऐसा मानो कि जिसमें हमें कैलकुलेशन ईजी हो जाए, तो जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने माना कि हमारा क्रय मूल्य 600 है, अगर उसके 1/6 के बराबर छूट प्रॉफिट हो गया उसे, यानी कि 600 × 1/6 यानी कि 100 उसे प्रॉफिट हो गए, तो अगर 100 प्रॉफिट हो गया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा तो 700। बट आपका क्वेश्चन कर रहा है सेलिंग प्राइस है 3220 यानी कि 700 यूनिट इक्वल टू आपका आ गया 3220 रुपये। अब आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, सबसे पहले तो आपका आया 600 यूनिट इक्वल टू 3220। अब यहाँ पे आपके लाभ प्रतिशत थे या फिर आपके कॉस्ट प्राइस पूछ रखा था, ये हमें पता नहीं चल पाया, तो हम दोनों चीज़ निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोलता अगर तो 3220 रुपये की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थे, हम यहाँ से करते 100 × 600 × 100 हमारा प्रॉफिट परसेंट आसानी से निकलता 00, ये किया 3 times और ये हो गया 50 times, तो ये आपका आ गया 50/3, ये आपका कितना आ गया तो 50/3। अब हमने 3 से 50 को डिवाइड किया तो 16 × 3 = 48, तो ये आपका हो गया कितना 16.2/3 हमारा आ जाएगा, 16.2/3। अगर आपके प्रॉफिट परसेंट पूछे गए होंगे तब ये आपका आ गया 50/3%, बट अगर आपके प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछ के सीपी पूछा होगा तो 700 यूनिट इक्वल टू 3220
तो 600 यूनिट है आपका सीपी, तो 600 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3220 गुना 600 बटा 700 हम कर लेंगे। अब हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 0 से 0, 0 से 0, 7 से इसे कैंसिल किया तो ये हमारा हो गया 460। 460 में 6 से गुना किया तो ये हमारा कितना हो गया, 0 6 6 36, 6 6 24, 24 3 27, यानी 2760 रुपये। अगर आपके दोनों में से कोई भी चीज़ पूछे तो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो। अब आप यहाँ से भी प्रॉफिट निकाल के देख सकते हो, 2760 है और इधर 3220 है। 3220 में हमने 2760 घटाया, 0 6 6 12, 7 4 11, 1 12, 460। 460 हो गया कॉस्ट प्राइस है 2760 गुना 100। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब आपका जो भी कट हो रहा है उसे आप कट कर लो, 23 टाइम्स होगा, ये 2 हो जाएगा, इसे 23 से किया तो 8 टाइम्स हो गया, एंड ये 12 फिर से किया तो ये भी आपका आ गया कितना, तो 50/3%। आप किसी भी मेथड से निकालो आपका प्रॉफिट सेम ही आने वाला है। अगर आपके कॉस्ट प्राइस पूछे होंगे तो आंसर ये हो जाएगा, प्रॉफिट पूछा होगा तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 5 दर्जन केलों का क्रैमूल 240 रुपये है, उसे 25% लाभ पर बेचने पर 2 किलो का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है कि 5 दर्जन केलों का आपको क्रय मूल्य दे रखा है 240 और उसे 25% लाभ पर बेचा है तो 2 किलो का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको करना क्या, 5 दर्जन केलों का क्रय मूल्य है तो यहाँ से आप 5 दर्जन मतलब 60 किलो का, 60 बनाना का आपका क्रय मूल्य दे रखा है 240 रुपये। यहाँ से आप निकाल लो एक बनाना का क्रय मूल्य कितना होगा, 240/60 यानी कि 40 रुपये। अब आपसे दो बनाने के बारे में अगर बात करें तो 80 रुपये, 80 रुपये आपके क्रय मूल्य हो गया और 25% लाभ पर बेचा यानी कितने में बेचा होगा, तो 80 × 125/100, 25 × 125, 2500 का 100 यानी कि हमने उसने इसे बेचा कितने में होगा। तो अगर इस वे से इसे सॉल्व करते हैं, 60 बनाना इक्वल टू 240 हो गया, 1 बनाना इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 6 × 4, 0 से 0 ये आपका 4 ही आ जाएगा, हमने गलती से 40 लिख दिया, ये आपका हो गया 4 हो जाएगा, तो ये हो गया अगर 4 रुपीज़ तो ये आपका हो गया 8 रुपीज़। अब आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में आपका यहाँ पे हमने गलत कर दिया था, ये आपका हो जाएगा 8 × हमसे क्या करने हैं, आपको बोल रखा है 25% तो 8 × 125/100 तो 25 × 125, 2500, 100 तो ये हमारा कितना आ गया, तो हम इसे करेंगे तो 125 तो 5 ये आपका कितना आ गया, तो 10 ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 10 रुपये में उसने इसे बेचा होगा। 8 रुपये में 2 केला खरीदा होगा और 10 रुपये में बेचा होगा, या फिर इसे आप कैसे बना सकते थे, आप यहाँ से इसका प्रॉफिट निकाल लेते 8 × 25/100 करके तो ये आपका कितना आ जाता, तो 2। अब यहाँ से आप इसे सम करो तो ये भी आपका 10 होगा, जो मन है उस मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हमारा, एक कार 20 मिनट में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसकी चाल ज्ञात करें। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल पाए कि उसकी चाल आपको किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड या किस चीज़ में पूछा था, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, तो टाइम इक्वल टू आपको बोल रखा है 20 मिनट, तो हम इसे आवर में चेंज कर दे रहे हैं, तो 20/60 यानी 1/3 आवर हो गया। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस है 40/1/3 किया तो ये हमारा आ गया 120 किलोमीटर पर आवर आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, इतने आपके मल्टीप्लिकेशन दिए गए थे, इसका इकाई का अंक पूछा था, तो इकाई का अंक के लिए आपको क्या करना है, सारे इकाई के अंक को 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 × 1, ये सारे तो आपको सेम ही हो गए, इतने की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं। 8 × 24, 24 × 6, 144 यानी हमारा इकाई का स्थान कितना हो जाएगा, 4। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।